से दो कॉलेजेस का नहीं, हम चार कॉलेजेस का कंपैरिजन करने वाले हैं इस वीडियो में। सो हाय एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉलेज तराजू, जहां पे आपके रिक्वेस्टेड कॉलेज को हम तोलते हैं, मोलते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये लेना चाहिए या फिर ये लेना चाहिए। पर आज दो कॉलेजेस का नहीं, हम चार कॉलेजेस का कंपैरिजन करने वाले हैं इस वीडियो में। सो यार, माय नेम इज आरशी एंड वेलकम टू दिस एपिसोड, राइट? बिकॉज यार, बैंगलोर में हमेशा हमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है और ये चारों कॉलेजेस की कंपैरिजन बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेन पॉइंट है। ये रिक्वेस्टेड नहीं था बट मुझे पता है बिकॉज एक्साइमी बैंगलोर, SIBM बैंगलोर, राइट, जैक्सन, राइट, एंड बी स्कूल बैंगलोर, जिसमें से SIBM 10 लाख का एवरेज क्लेम करता है, राइट। जैक्सन ने भी इस साल 10 लाख का एवरेज क्लेम करा है, जाइम 9 लाख के आसपास क्लेम करता है और वेलिंकर, अभी चेक करना पड़ेगा वेलिंकर बैंगलोर कितना क्लेम कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस एपिसोड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो XIME 1991 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, जेवियर्स का ब्रांड वैल्यू है अगर हम सिर्फ ब्रांड वैल्यू के हिसाब से देखें, और ऑलमोस्ट 30 साल से ज़्यादा पुराना कॉलेज है। SIBM की बात करें तो मुंबई में, SIBM जो है वो पुणे में तो है, तो पुणे वाला तो इट्स लाइक अमंग टॉप 20 टॉप 30 बी स्कूल्स इन इंडिया, बट इनके बैंगलोर वाले की भी टॉप 4-5 में जो है वो डिमांड है। ये 2008 का एस्टैब्लिश कॉलेज है एंड इट्स जितने भी कॉलेजेस हम डिस्कस कर रहे हैं वो सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। जैक्सन वी हैव विच इज इन बैंगलोर, एवरी कॉलेज विच वी आर डिस्कसिंग इज इन बैंगलोर, एंड वी हैव वी स्कूल। वी स्कूल 1977 लिखा है बट बैंगलोर वाला लेट एस्टैब्लिश हुआ था, उसका उनकी वेबसाइट पर डिटेल्स नहीं था। 1995 का जो है वो जैक्सन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ICT अप्रूव्ड है, AIU है कुछ कॉलेजेस। आई थिंक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी ऑफर लेटर्स ले चुके होंगे इनमें से दो कॉलेजेस के या तीन कॉलेजेस के या हो सकता है चारों कॉलेजेस के, और आपको कंफ्यूजन होगा। कोर्स डिटेल में बात करें तो XIME ऑफर्स PGDM, राइट, विच इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन MBA, सॉरी मैनेजमेंट। वी हैव SIBM विच ऑफर्स MBA फ्रॉम सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो अन अकेडमी लेकर आया है आपके लिए एक्सक्लूसिव 20% ऑफ ऑन ऑल अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। सो कहीं ना कहीं आप CAT 2022 के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे होंगे एंड यू आर स्टिल थिंकिंग कि यार कहाँ से प्रिपेयर करूँ, तो ऑब्वियसली आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, दैट इज अन अकेडमी, जिसमें आपको सभी उनके सब्सक्रिप्शन पे 20% ऑफ मिल रहा है। यू कैन जस्ट हैव अ लुक, राइट, भले आप 9 मंथ्स का लेते हैं, 12 मंथ्स का, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, आई मीन यू हैव ऑल दी ऑप्शंस। और ये जो ऑफर है वो वैलिड है 19th ऑफ मई रात को 12 बजे से सिर्फ 1 मिनट पहले, और इसको अवेल करने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना है विच इज RSHI10। यस, तो जल्दी से जाना है, इसको अवेल करना है बिकॉज ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आपके पास है, और साथ ही साथ कैट का स्टडी मटेरियल भी जो है वो रेडी है, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल बाय इंडिया टॉप एजुकेटर्स वो कैट के थ्रू मिल रहा है, ई नोट्स फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स, फिजिकल नोट्स अवेलेबल हैं, और 25,000 प्लस हाई क्वालिटी क्वेश्चंस है कैट के लिए, एक्सक्लूसिव कवरेज है दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी, और 50 प्लस फुल लेंथ टेस्ट है फॉर कैट एंड अदर MBA एंट्रेंस एग्जाम। सो यू कैन जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अवेल फॉर दिस ऑफर एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कोड विच इज RSHI10। देन हमारे पास जैक्सन है, जैक्सन PGDM ऑफर करता है, AIU है, एंड हमारे पास वी स्कूल है, वो भी PGDM जो है वो ऑफर करता है। नाउ कोर्सेज में स्पेशलाइजेशन, आई मीन यूल फाइंड ऑल दी स्पेशलाइजेशन, आई डोंट थिंक इसको डिस्कस करना बनता है, बट यू कैन हैव अ लुक इफ यू जस्ट वांट टू लुक। आई ऑलवेज सी दिस थिंग इन माई वीडियोज इन माई प्रोफाइल कि कॉलेजेस जो हैं वो प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करते हैं। सो इफ यू हैव द सेम क्वेश्चन दैट व्हाट ऑल कॉलेजेस यू कैन टारगेट बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, सो आपको क्या करना है, नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। एंड नाउ कमिंग टू द एलिजिबिलिटी, इसको बोर्ड देखने से अच्छा सिंपल सी चीज़ है कि मैं अगर वी स्कूल की बात करूं तो इट्स लाइक कैट जैट सीमैट के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 80% जो है वो वी स्कूल अप्लाई करना है, बच्चा मुंबई अप्लाई करता है बट मुंबई जिनके कम परसेंटाइल होते हैं उनको बैंगलोर अलॉट हो जाता है, राइट। सिम्बियोसिस के लिए स्नैप इज कंपल्सरी, स्नैप दिया है, 90 प्लस पे चांसेस हैं इसको कन्वर्ट करने के। देन वी हैव XIME नो कट ऑफ, राइट, एंड देन वी हैव जैक्सन नो कट ऑफ। तो ऑब्वियसली अगर मैं अभी भी मतलब कंक्लूड करने से पहले भी बात करूँ तो SIBM जो है इट इज़ ऑलवेज शुड बी लाइक अमंग
these three prior, but अगर इन तीनों में से बचे हुए तीन में से कौन सा सही रहेगा वो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे. बिकॉज यू नो देखो, अगर उनका 90 कट ऑफ है तो क्राउड जो है, जो कॉम्पिटिशन है, बिकॉज ऑब्वियसली प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन बच्चा, राइट. कंपनी जो है वो कॉलेज कंपनी तो बुला सकता है, बट कैपेबिलिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं, तो कोई भी कंपनी किसी को 10 लाख का पैकेज, 12 लाख का पैकेज एवं दे के नहीं जा रही होती. अगर ऐसे होता तो भारत कहीं और ही होता. कोर्स फीस की बात करें तो 11 लाख 5,000 इज द फी स्ट्रक्चर. SIBM 14 लाख, जैक्सन 14 लाख 40,000 एंड वी स्कूल 13 लाख. सबसे कम फीस अमंग ऑल ऑफ देम इज ज़ाइन, देन वी हैव SIBM एंड वी स्कूल की फीस जो है वो सेम ही है. फैसिलिटीज भी स्किप करते हैं, आई थिंक इसके बेसिस पे आप डिसीजन नहीं लेते हैं. प्लेसमेंट्स इज वन ऑफ दी. ज़ाइन की बात करें तो 9,03,000 का एवरेज पैकेज जो है वो क्लेम करता है. बहुत सारे बच्चे हाईएस्ट देखते हैं, मैं आज भी कई सारे बच्चों से बात करती हूँ, वे से दैट मैम उसमें तो हाईएस्ट 24 का गया है. तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपको अगर कॉलेज लेना है तो प्लीज़ डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज पैकेज, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट पैकेज, बिकॉज हाईएस्ट पैकेज जो है वो एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट को कहीं ना कहीं मिलेगा. देन अगर हम SIBM की बात करें तो SIBM का एवरेज पैकेज इज 9,75,000 मीडियन एंड एवरेज इज 10,04,000 एज पर क्लेम. ऑब्वियसली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. जैक्सन बैंगलोर इज क्लेमिंग 10,21,000 विच इज आई थिंक इवन मोर देन SIBM बैंगलोर, राइट. एंड देन वी हैव वी स्कूल जिसका एवरेज पैकेज 7,91,000 का है. एंड ठीक है, तो कंक्लूड करती हूँ. अगर आप इन तीन चारों कॉलेजेस में देखो, मैं ओवरऑल बेसिस से बात कर रही हूँ जिसमें एडमिशन हर, क्योंकि जो कॉलेजेस 10 लाख क्लेम कर रहे हैं वो 10 लाख नहीं दे सकते, क्योंकि उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया उतना टफ नहीं है, समझो इस चीज़ को. मैं तो अमंग ऑल दीज फोर कॉलेजेस जो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट तीन कॉलेजेस तो उतना ही एवरेज क्लेम कर रहे हैं, आप SIBM को पहले चूज कर सकते हो, राइट. आप सेकेंड में XIME को चूज कर सकते हो, राइट. आप थर्ड में फिर चाहो तो आप वेलिंकर भी ले सकते हो, ये जैक्सन भी ले सकते हो, दोनों ही कहीं ना कहीं सेम लेवल पे. ये मैं इवन ROI की बेसिस पे भी बात कर रही हूँ, मैं इवन ब्रांड वैल्यू की बेसिस पे भी बात कर रही हूँ, मैं ओवरऑल बेसिस पे बात कर रही हूँ. तो इफ इट इज बिटवीन फोर, इट शुड बी लाइक SIBM, देन आई डेफिनेटली सजेस्ट XIME अमंग दीज फोर ऑप्शंस, राइट. हो सकता है कुछ और कॉलेजेस आप देखो तो वेरिएशन रहे, ज़ाइन के पैकेज में भी वेरिएशन है, पर मैं एक ओवरऑल पैरामीटर पे बात कर रही हूँ. पर SIBM का मैंने टॉक टू दी स्टूडेंट्स एंड देयर एवरेज इज 9-10, तो वो एवरेज है, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि इफ इट इज बिटवीन फोर, आई थिंक दिस इज समथिंग व्हाट यू कैन गो फॉर. सो दिस वाज अ कंपैरिजन वीडियो जहाँ मैंने आपको कंक्लूड करके भी बताया, राइट. वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, साथ ही साथ प्लीज़ शेयर मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ. एंड यू कैन ऑल्सो जॉइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. टिल देन, बाय बाय. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.